पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार को ईडी ने छापा मारा। आपको बता दें कि इस कार्यवाही में मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। वहीं जांच एजेंसी को शक है कि ये पैसे स्कूल सेवा आयोग के घोटाले में कमाए गए हैं। वहीं ईडी की टीम ने पार्थ चटर्जी, शिक्षा राज्य मंत्री परेश सिंह अधिकारी और एमएलए मणिक भट्टाचार्य के घर समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। हालांकि इनके यहां कोई भी नकदी नहीं मिली। आपको बता दें कि ईडी इस समय पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ईडी के अफसर एसएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार से पार्थ चटर्जी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एसएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। जब यह घोटाला हुआ तो उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। आपको बता दें कि चटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा चुकी है, जिसमें उनके 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप लगा है। याचिका में कहा गया है कि ये लोग चटर्जी के सिक्योरिटी गार्ड के रिश्तेदार हैं। वहीं कोर्ट अगले हफ्ते में मामले की सुनवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।